रेस्पेक्टेड व्यूवर्स, मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर। मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वालिफिकेशन रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के लिए, मोनिटर्स के लिए और एग्जामिनर के लिए, जो PPSC के पेपर में आने हैं, उन पे वीडियो बनाई है। BEd क्वालिफाइंग गाइड वॉल्यूम 1 से इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन आज हम फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिर्फ लिए हैं। वैसे तो 150 से अबव ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि PPSC के पास पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं, उनको लेके बड़ी मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो सके कि हमने BEd क्वालिफाइंग गाइड कैसे करनी है, हमें सॉफ्ट कापी में मिल जाए या हार्ड में मिल जाए। तो इसका पहला सब्जेक्ट जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, वो है जी इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। और दूसरी बात ये कि मैंने 1 लाइन MCQs बनाया है ताकि आपको आसानी से याद रह सके। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है। डेली हम एक सब्जेक्ट को, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है जी, एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम अ लेटिन वर्ड एडुकेयर से ड्राइव किया गया है जी। सेकंड है जी, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी इज लर्निंग टू डू बाय डूइंग, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, तो कौन सा है बेसिक सोर्स एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का, वो है ह्यूमन एक्सपीरियंस। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है जी, डिटरमिन द एम ऑफ एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है जी, द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी एक्वायरिंग स्किल्स हैबिट एंड नॉलेज, यहाँ स्किल्स आना था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एजुकेशन प्लान्ड विद द पार्टिकुलर एंड इन व्यू इज फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन एक प्लान्ड एजुकेशन होती है जिसका एक पार्टिकुलर एंड भी होता है। नेक्स्ट है जी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़ फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ इंट्री एंड एग्जिट, मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया, मोड्स ऑफ एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन भी मेरी एक वीडियो है, वहाँ पे तीनों टाइप्स जो है मैंने डिटेल से बताई हैं और डिस्कस की हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो फ्री और फ्लेक्सिबल एजुकेशन होती है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, फॉर्मल एजुकेशन हैज़ रिजिड रूल्स ऑफ इंट्री एंड एग्जिट। नेक्स्ट है जी, इनफॉर्मल एजुकेशन हैज़ नो रूल्स ऑफ इंट्री एंड एग्जिट। अच्छा जी, इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग, इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो नीम रस्मी तलीम हम इसको उर्दू में कहते हैं, और सारी ज़िंदगी जो है वो हम लेते हैं, इसके लिए किसी स्टूडेंट टीचर की, किसी बुक की, किसी करिकुलम की ज़रूरत नहीं होती। जो हम सारी ज़िंदगी हासिल करते हैं वो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, अपने इर्द गिर्द से, अपने दोस्तों से और कहीं से भी हमें मिल जाए। बिल्कुल इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो नीम गर्म पानी की तरह है, हमें मिलती रहती है लेकिन हमें महसूस नहीं होता। नेक्स्ट वन जी है जी, इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ इंसिडेंटल है जी, अभी मैंने आपको बताया है। अच्छा जी, दिस सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ करिकुलम है जी। पेडागोजी इज़ कंसर्न्ड विद टीचिंग मेथड, और एक है जी एंड्रागोजी, वो अडल्ट की टीचिंग के साथ, मेथड्स के साथ कंसर्न होती है। नेक्स्ट है जी, टू डिटरमिन दी वैल्यूज़ एंड वर्थ ऑफ एनीथिंग, तो किसे डिटरमिन करते हैं हम, एवेल्यूएशन से। नेक्स्ट है जी, इलेक्ट्रिज्म मीन बॉर्विंग बिलीव फ्रॉम डिफरेंट फिलोसफीज, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन मे बी सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन अकॉर्डिंग टू रोस। नेक्स्ट है जी, एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर्ड एज एम। नेक्स्ट है जी, दी देवबंद अकेडमी वाज टोटली नॉन गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है जी, दी देवबंद मूवमेंट वाज यूज्ड करिकुलम रिविजन एज मोटिव। नेक्स्ट है जी, दी देवबंद वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1867। दी देवबंद मूवमेंट्स इग्नोर्ड साइंस, इन्होंने साइंस को बिल्कुल इग्नोर किया था। साइंटिफिक सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रमोट साइंटिफिक लुक। द मेजर इम्पैक्ट ऑफ अली
गर्ल मूमेंट वाज पॉलिटिकल ट्रेनिंग। नेक्स्ट है जी, इन जामिया मिलिया द मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज, क्या था जी, उर्दू था। इन जामिया मिलिया कुड नॉट बिकम पॉपुलर अमंग मुस्लिम्स ड्यू टू इट्स ऑपोजिशन ऑफ टू नेशन थेरी। नेक्स्ट है जी, अजमन हमायत इस्लाम वाज इस्टेब्लिश्ड इन लाहौर। नेक्स्ट है जी, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज हेल्ड इन कराची में हेल्ड हुई थी। अच्छा जी, एक और बात एजुकेशन कॉन्फ्रेंस पे कि सबसे पहली जो थी उसको हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं जो 1947 में कराची में हुई थी, और उसके बाद जितनी भी हैं वो उनको हम पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट है जी, चार्टर एक्ट वाज प्रेजेंटेड इन 1830 में प्रेजेंट हुआ था। नेक्स्ट वन है जी, अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813 एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है जी, द चार्टर एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रीन्यूड, कब हुआ था, 1833 में हुआ था। नेक्स्ट है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी कुड नॉट इम्प्लीमेंट चार्टर एक्ट फॉर 10 ईयर्स तक, 10 साल तक ही इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सके थे। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकाले वन पर्पस ऑफ एजुकेशन वाज टू प्रोड्यूस क्लर्क्स, इनका पर्पस था कि ऐसी एजुकेशन दें जिससे क्लर्क पैदा हों। नेक्स्ट है जी, अंडरवुड डिस्पैच इन 1857 थ्री यूनिवर्सिटीज वर एस्टेब्लिश, फर्स्ट वन थी मुंबई की, सेकंड थी कलकत्ता और थर्ड थी मद्रास की। नेक्स्ट है जी, इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन 1882 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये थे जी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन के हैं। अब मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम अगले सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे कल, और उसके भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर मोनिटर और एग्जामिनर के क्वालिफिकेशन रिलेटेड पार्ट के लिए जो 80% है, जो बहुत ज़्यादा पोर्शन में, अगर आप 80% को ही बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं फिर भी आप टेस्ट को इंशाल्लाह पास कर जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ एमसीक्यूज जो हैं आप जनरल एबिलिटी के भी अटेम्प्ट कर लेंगे और आपको आते भी होंगे जो कॉमन सेंस के होते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह के, नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ और बनाती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।